जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण। डोमिनिक थीम ने एटीपी अर्जेंटीना खिताब जीता। झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का रांची में शुभारंभ। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान का सिंध हिंदू विवाह अधिनियम पास कराने वाला पहला प्रांत बना। वेस्टइंडीज ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार ओएनवी कुरुप का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। लियोनेल मेसी ला लीगा मैचों में 300 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। एप्पल इंक भारत के हैदराबाद में तकनीकी विकास केंद्र स्थापित करेगी। भेल ने पंजाब में 270 मेगावाट जीवी के पावर प्लांट आरंभ किया। फैशन डिजाइनर मनीष अरोड़ा नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित। सामाजिक सह अस्तित्व की समस्याओं के निदान हेतु वॉक ऑफ होप आयोजित। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इन माय वे ने बिक्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक औषधि हेतु समझौते को मंजूरी। करंट अफेयर्स विस्तार से। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए कमला देवी ने 2 गोल किए, जबकि बाला देवी आशा लता देवी ने 1-1 गोल किया। मैच का पहला गोल कमला ने 31वें मिनट में किया। इसके बाद 55वें मिनट में एक और गोल करते हुए कमला ने भारत को 2-0 से आगे कर दिया। मैच का अंतिम गोल 79वें मिनट में आशा लता ने किया। पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण। यह पहली मिसाइल है जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल को वर्ष 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। डोमिनिक थीम ने ATP अर्जेंटीना खिताब जीता। विश्व के नंबर 19 खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने स्पेन के निकोलस अल्माग्रो को हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस खिताब जीता। उन्होंने निकोलस को 7-6, 2, 3-6, 7-6, 4 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह उनका 2016 का पहला और करियर का चौथा खिताब है। थीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में राफेल नडाल को हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया था। झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का रांची में शुभारंभ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले के गेटलसूद गांव में इस पार्क का उद्घाटन किया। यह मेगा फूड पार्क 51.5 एकड़ क्षेत्र में बना है और इस पर निर्माण परियोजना लागत 114.73 करोड़ रुपए आई है। इस पार्क में बहुस्तरीय शीत भंडारण, शुल्क माल गोदाम, सब्जियों के हाइड्रेशन लाइन, आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशाला सहित फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण जैसी दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी जीती। महिला डबल्स मुकाबलों में ये उनकी लगातार 40वीं जीत है। फाइनल मुकाबले में हिंगिस मिर्जा की जोड़ी ने रूस की वेरा डुशेविना और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा की जोड़ी को आसानी से 6-3, 6-1 से सिर्फ 1 घंटे के भीतर मात दी। सेंटीना नाम से मशहूर सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी की साल 2016 में यह लगातार चौथी जीत है। पाकिस्तान का सिंध हिंदू विवाह अधिनियम पास करने वाला पहला प्रांत बना। यह फैसला सिंध में हिंदू शादियों का औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए मशीनरी मुहैया कराने हेतु किया गया है।
पाकिस्तान के गठन के बाद से यह पहला मौका है जब कोई ऐसा कानून पारित किया गया है। विधेयक के अनुसार पुरुष और महिला के बीच सहमति से और कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में विवाह का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। अधिनियम के अनुसार पति पत्नी में किसी के भी धर्म बदलने से शादी खत्म हो सकती है। वेस्टइंडीज ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 3 बार के विजेता भारत को 5 विकेट से हराकर विश्व कप जीता। वेस्टइंडीज द्वारा पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता गया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी किसी कार्टिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहंदी हसन मिराज को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार ओएनवी कुरुप का निधन। भारतीय साहित्य में बहुमूल्य योगदान देने वाले कुरुप का जन्म 27 मई 1931 को केरल में हुआ था। उन्हें वर्ष 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1998 में पद्मश्री तथा 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में फिल्म वैशाली के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी ला लीगा मैचों में 300 गोल बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। मेसी का यह 334वां ला लीगा मैच है और उनके कुल 301 गोल हो गए हैं। उन्होंने दूसरे स्थान पर मौजूद तेलमा जारा से 50 गोलों की बढ़त हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 224 मैचों में 246 गोल कर तीसरे स्थान पर हैं। उनसे पहले विभिन्न लीगों में जिमी ग्रेव्स, गर्ड म्यूलर, डिक्सी डीन और स्टीव ब्लूमर यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। एप्पल इंक भारत के हैदराबाद में तकनीकी विकास केंद्र स्थापित करेगी। एप्पल द्वारा यह अमेरिका के बाहर आरंभ किया जाने वाला पहला केंद्र होगा। इस घोषणा के साथ ही एप्पल भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एवं फेसबुक जैसी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने हैदराबाद में केंद्र स्थापित करने में रुचि जाहिर की। यह केंद्र 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तैयार होगा एवं इसे तिशमन स्पेयर वेबरॉक में 250,000 स्क्वायर फीट में स्थापित किया जाएगा। भेल ने पंजाब में 270 मेगावाट जीवी के पावर प्लांट आरंभ किया। इससे पहले कंपनी 210-250 मेगावाट के सेट सप्लाई कर रही थी जिसे अब बढ़ाकर 270 मेगावाट कर दिया गया। पंजाब में सप्लाई किए गए 210-270 मेगावाट के सभी सेट भेल द्वारा दिए गए थे। इनमें 210 मेगावाट की 6 यूनिट रोपड़, 210 और 250 मेगावाट की 2-2 यूनिट भटिंडा में भेजी गयी। भेल ने इससे पहले उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 82.5 मेगावाट के 4 हाइड्रो सेट दिए थे। फैशन डिजाइनर मनीष अरोड़ा नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित। फ्रेंच राजदूत फ्रैंकोई रिचर ने अरोड़ा को फैशन डिजाइन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। वर्ष 2011 में वे फ्रेंच फैशन हाउस पैको रबाने के लिए महिला प्रधान परिधान बनाने हेतु क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए। वर्ष 2000 में उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले फैशन वीक में भाग लिया एवं फैशन वीक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2004 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला परिधान डिजाइनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक सह अस्तित्व की समस्याओं के निदान हेतु वॉक ऑफ होप आयोजित। वॉक ऑफ होप शांति एवं सौहार्द के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक मानव एकता मिशन द्वारा आयोजित पदयात्रा है। 374 दिनों में यह पदयात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी। इस यात्रा द्वारा भारत के 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी गई ताकि देश में शांति एवं सौहार्द का प्रसार हो सके। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इन माय वे ने बिक्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसकी घोषणा फरवरी 2016 में की गई। इस किताब ने अब तक 13.51 करोड़ की कमाई की है। इस किताब की कीमत
899 रुपए है। अब तक किसी भी किताब ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। अब तक इस किताब की 150,289 प्रतियां बिक चुकी हैं। प्लेइंग माय वे किताब के सह लेखक बोरिया मजूमदार हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक औषधि हेतु समझौते को मंजूरी। इस समझौते से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाने और आयुष प्रणाली को ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी। आयुष और WHO के बीच शिक्षा, कौशल विकास, कार्यशालाओं, प्रकाशनों और कार्यक्रमों के आदान प्रदान के जरिए सदस्य देशों के बीच औषधि की आयुष प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सुविधा होगी। आयुष मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आवंटित बजट में से सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए व्यय किया जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।